हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बीटीसी यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है आपका? शिक्षण अधिगम से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। यह दोस्तों जो ये पेपर है आपका 50 मार्क्स का है यानी 50 नंबर का है, तो इसमें आपको अच्छे से स्कोर अगर लाने हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। वीडियो में जो होता है इसका सबसे मेन टॉपिक ही मैंने लिया है। इस टॉपिक के बाद में और भी टॉपिक इसमें बनाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, शिक्षण अधिगम को। शिक्षण अधिगम में हम लोग को क्या पढ़ना होता है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है। शिक्षण का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना, यानी कि शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान को अपने छात्रों के सामने प्रदान करना शिक्षण कहलाता है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना, अपने छात्रों को समझाना, सिखाना अच्छे तरीके से, ताकि उनके सर्वांगीण विकास हो सके, उनके सब जगह उनका क्या हो सके, विकास हो सके, उसे हम शिक्षण कहते हैं। संप्रेषण, उसका अगला इसमें टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण का क्या मतलब होता है? सिंपल से अगर मैं आपके भाषा में बताऊं तो संप्रेषण का अर्थ है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के दोस्तों घटक कितने होते हैं? संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? प्रेषक, सूचना और ग्राही। यानी कि प्रेषक मतलब जो दे रहा है क्या, और क्या दे रहा है? सूचना। और ग्राही मतलब लेने वाला। इसको हम त्रिस्तरीय भी कहते हैं, यानी कि हम ऐसे बनाकर भी दिखा सकते हैं कि संप्रेषण के घटक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम लोग शिक्षक भी लिख सकते हैं, प्रेषक जगह पे शिक्षक भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे पाठ्यक्रम भी लिख सकते हो सूचना के जगह पे, और ग्राही के जगह पे शिक्षार्थी भी लिख सकते हो या विद्यार्थी भी लिख सकते हो। तो संप्रेषण के कितने घटक? 3 घटक, प्रेषक, सूचना और ग्राही। अब देखते हैं कि संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों संप्रेषण के 2 प्रकार होता है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। एक पक्षीय संप्रेषण अच्छा नहीं होता है। एक पक्षीय संप्रेषण किसे कहते हैं? सुनिए, जब कोई अध्यापक कक्षा में आता है और वह अपनी बातों को अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन विद्यार्थियों से उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पूछता है। मतलब क्या? आया शिक्षक, आया अपने पाठ्य वस्तु को पढ़ाया और चला गया, यह पक्षों कहलाता है। यह संप्रेषण कौन सा कहलाता है? एक पक्षीय संप्रेषण कहलाता है। यह संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन द्विपक्षीय संप्रेषण किसे कहते हैं? द्विपक्षीय संप्रेषण उसे कहते हैं जिसमें शिक्षक आए और बच्चों से पहले की बातें को प्रश्न पूछे तथा अपने पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न पूछे, मतलब कि क्या खुद भी पढ़ाए और बच्चों से भी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता रहे, यह द्विपक्षीय संप्रेषण होता है। और यही संप्रेषण प्रभावशाली होता है। दोस्तों इस शिक्षण पे, इस संप्रेषण में, शिक्षण अधिगम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जो होता है आता है लिखने के लिए कि मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण सूत्र है, उसमें से 4 शिक्षण सूत्र लिखिए। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? देखिए शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। शिक्षण सूत्र वह सूत्र होते हैं जिसमें शिक्षक इन सूत्रों का प्रयोग करके बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। इन सभी सूत्रों के माध्यम से वह बालक को अच्छे से अच्छे ज्ञान देकर उनके विकास में सहायता करता है। तो यहाँ पे शिक्षण सूत्र है कौन कौन से है? देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, और आगमन तथा निगमन की ओर। तो ये क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर का इसका मतलब क्या? ज्ञान यानी कि जो ज्ञान है बच्चों को, जो पहले से ज्ञान है उनसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज उनको आता है उसी से रिलेटेड उनको दूसरा कुछ सिखाना है, यानी कि अज्ञात की तरफ ले जाना जो उनको नहीं आता है। जैसे कि उसमें क्या है, जैसे कि अगर आपको बच्चों को जोड़ सिखाना है तो उससे पहले आपको गिनती के बारे में पूछना पड़ेगा ना बच्चों को कि गिनती आती है कि नहीं। अगर गिनती आ रही है तो यह उनका ज्ञात हो गया, और जोड़ नहीं आ रहा है उस तरफ ले जाना अज्ञात कहलाता है।
यह सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि दोस्तों बच्चों को आता है वो पूर्व ज्ञान का जो उनका आ रहा है उसी से रिलेटेड उसको आगे ज्ञान को बढ़ाना ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण मतलब पूरा, अंश मतलब छोटा छोटा एक हिस्सा। जैसे कि आप किसी बच्चे को किसी बालक को एक पूरा पेड़ के बारे में बताएंगे, पहले उसको क्या करेंगे पूरा पेड़ दिखा देंगे यहाँ पे, ओके दिखा दें। अब उसमें वह पूर्ण हो गया पेड़, वहाँ पे क्या हो गया पूर्ण हो गया, पूर्ण चीज दिखा रहे। अब उससे अंश की ओर ले जाना है। अब पूर्ण हो गया तो अब उसमें बच्चों को बताएंगे कि इसकी पत्तियाँ कौन सी हैं, इसके जड़ कौन से हैं, तनाएँ कौन सी। यह ज्ञान जो होता है पूर्ण से अंश की तरफ ले जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताना है तो पहले पूरा एक पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखाएंगे उस बच्चे को, उसके बाद उसमें बताएंगे आँख कहाँ है, कान कहाँ है, नाक कहाँ है। ये सब क्या हो गया पूर्ण से अंश की ओर होता है। यह विधि क्या होती है शिक्षण सूत्र कौन सा है पूर्ण से अंश की ओर। अब बात करते हैं सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर किसे कहेंगे, बालक को मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हो, ठीक हिंदी पढ़ा तो पहले सरल चीज बताएंगे, जैसे कि पहले क ख ग घ का ज्ञान कराएंगे। धीरे धीरे जब बालक को यह विकास हो जाएगा तो उसके बाद अब क ख ग घ से बनने वाले शब्द बनाएंगे, शब्द से धीरे धीरे वाक्य बनाना शुरू करेंगे, यानी सरल से कठिन की ओर जाएंगे। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त, ध्यान से सुनिए, मूर्त मतलब कोई मूर्ति प्रतिमा, अमूर्त कोई मूर्ति नहीं बस उसको सोचना है। यानी कि मूर्त का अर्थ ये होता है कि जो बच्चों को दिखाकर बताया जाए, जो वस्तुओं के बारे में बताया, मान लीजिए मार्कर के बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है, तो ये बच्चों को दिखाना है तो ये मूर्त हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कक्षा में ये चीज प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको बस ऐसे ही ज्ञान कराना है कि एक मार्कर होता है तो वहाँ पे मार्कर प्रेजेंट नहीं है, वह कहाँ जाए मूर्त से अमूर्त की तरफ। यानी कि पहले बच्चों को वह ज्ञान देना है जो कक्षा में प्रेजेंट है या फिर चारों तरफ उनको दिखाई दे रहा हो, उसके बाद धीरे 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 उनको क्या करना है ऐसी चीजों के बारे में बताना जो उनको दिखाई नहीं दे रहा, उससे उस ज्ञान को बोलते उस सूत्र को बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ क्या होता है एब्जॉर्ब करना। पहले बालक की कमियों को हम क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे, पहले ढूंढेंगे कि उस बालक में क्या चीज की कमी है। धीरे धीरे जब कमी को इकट्ठा करेंगे तो हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब क्या, एक एक कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, शिक्षक पहले उस छात्र की कमियों को पूरा पहले इकट्ठा करेगा, पहले देखेगा क्या क्या कमी है, उसके बाद धीरे धीरे वह क्या करेगा उस बालक की जो कमी है उसको पूरे करने का हेल्प करे, कहने की सहायता करेगा। इस विधि को हम बोलते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अगला है आगमन तथा निगमन की ओर। आगमन, आगमन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं खोज विधि के नाम से। कौन से विधि से, खोज। इसका मतलब ये होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ जाना, पहले उदाहरण बताएंगे उसके बाद धीरे धीरे नियम की तरफ बढ़ेंगे, वो होता है आगमन। और निगमन क्या होता है, नियम से उदाहरण की तरफ जाना, वो होता है नियम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो शिक्षक सूत्र पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षक अधिगम से। तो दोस्तों आपको इसमें से कम 5 या 4 शिक्षण सूत्र तो याद कर लेने ही है, ताकि आपके एग्जाम में आते हैं आप उसे फटाफट लिख सको। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।